ये चूना बहुत अच्छी दवा है हमारे घर के उन सब बच्चों के लिए जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। अगर ऐसे बच्चे आपके घर में हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि लंबाई नहीं बढ़ रही है, इनको नियमित चूना खिला दीजिए, गेहूं के दाने के बराबर साल भर खिला दीजिए, लंबाई बहुत बढ़ी। जो घर में ऐसे बच्चे हैं जिनकी बुद्धि कम है, मतिमंद बच्चे जिनको हम कहते हैं मेंटली रिटार्डेड, उन सब बच्चों की सबसे अच्छी दवा ये चूना, 2-3 साल लगातार खिलाइए गेहूं के दाने के बराबर, दही में नहीं तो पानी में नहीं तो दाल। हमारे घर में माताएं हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है, और जिन माताओं की उम्र 50 वर्ष हो जाती है उनका मासिक धर्म बंद होता है, मासिक चक्र बंद होता है, फिर वो माताओं को जितनी तकलीफें होती हैं मासिक चक्र बंद होने से, उनकी सबसे अच्छी दवा ये चूना ही है। आप उनको कहिए रोज चूना खाएं गेहूं के दाने के बराबर। हमारे यहाँ बहुत सारी बहनें बैठी हैं, इस बात को ध्यान से सुने, घर में हमारी सभी बहनें और माताएं जो मासिक धर्म की समस्या से परेशान हैं, उनका मासिक धर्म समय से नहीं आता, आता है तो बहुत खून आता है या उसमें कई बार समय बहुत लगता है, इन सब मासिक धर्म की बीमारियों में दर्द बहुत होता है, आप चूना खाइए गेहूं के दाने के बराबर, दही में नहीं तो दाल में नहीं तो गर्म पानी। ये जो चूना है ना ये बहुत अद्भुत दवा है उन सभी मरीजों के लिए जिनको पीलिया होता रहता है अक्सर, जॉन्डिस, जिनको भी जॉन्डिस होता है उनको आप गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला के दीजिए, आधा गिलास गन्ने का रस गेहूं के दाने के बराबर चूना, बहुत जल्दी पीलिया ठीक होगा और बार बार पीलिया होना बंद होगा। ये जो चूना है ना ये नपुंसकता की बहुत अच्छी दवा है। अगर कोई पुरुष ऐसा है जिसके वीर में शुक्राणुओं की संख्या एकदम निल है या बिल्कुल कम है, उनको आप चूना खिलाइए, 2-3 साल चूना दीजिए उनको गन्ने के रस में, वीर में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ेगी। ऐसी कई माताएं जिनके शरीर में अंडे नहीं बनते, ओव्यूलेशन का उनका गड़बड़ी है, उनको आप चूना खिलाइए, बहुत जल्दी उनकी बीमारी ठीक हो। ये जो चूना है ना आपके रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई तकलीफ आ जाए, जैसे कई बार रीढ़ की हड्डी का जो लंबर रीजन है इसमें गैप आ जाता है, L1, L2, L3, L4 के बीच में गैप आ जाता है, इसको ठीक करने की ताकत चूने में ही है, चूना खाइए। कभी हड्डी क्रैक हो जाए तो हड्डी को जोड़ने की सबसे ज्यादा ताकत चूने में, चूना खाइए। एड़ी की दर्द है, पैर की एड़ी का दर्द है, चूना खाइए ठीक होगा। पंजों में दर्द है, चूना खाइए ठीक होगा। आपके दांत में अक्सर ठंडा गर्म पानी लगता है तो आप चूना खा लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाए। दांत में कीड़े बहुत लगते हैं, चूना खाइए नहीं लगेंगे। दांत हिलते हैं, कमजोर हैं, चूना खाइए मजबूत हो जाए। ये एक चूना 70 बीमारियों में काम आता है, 70, और ये ईश्वर ने हमें सबसे ज्यादा दिया है, 70 बीमारियों में काम आता है। आप कभी भी इसको याद रखिए। मैं सबको यही कहता रहता हूं कि आप चूना खाइए, चूना लगाइए मत कभी किसी को, ये चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए। और ये चूना हम खाएं तो दो ही बातें याद रखनी है, पत्थर वाला खाना है, पत्थर वाला चूना एक आता है, एक सीप वाला भी आता है, तो सीप वाला नहीं खाना, पत्थर वाला। और यही चूना है पत्थर वाला जो पान की दुकान में मिलता है, इसे याद रखिए। बस एक ही व्यक्ति चूना ना खाए, एक सावधानी है इसमें, जिनको पथरी की बीमारी है, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है वो चूना ना खाएं, जिनको किडनी स्टोन है वो चूना ना खाएं, जिनको मूत्रपिंड में पत्थर है वो चूना ना खाएं, बाकी सब खाएं।